तेरे वीडियो का रेटिंग बहुत बढ़ जाएगा तुमको अगर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये इंडियन फूड है, उसके चक्कर में मेरे को एक अच्छा सा हॉस्टल मिला जहाँ जो कि मेरे लिए अच्छा था, तो मैं इसी हॉस्टल में रुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन फूड, और ये हॉस्टल का नाम है पटाया बैकपैकर्स, और ये सब इसका मेन्यू है। और खास बात ये है कि यहाँ के जो भैया जी हैं वो चाइनीज लड़की से शादी कर लिए हैं, ना दोनों मिलकर ये बिजनेस चला रहे हैं। तो आप ये देख लो, एक सपोर्टिव ये भी रहा, और महंगा है भाई, इंडिया के नाम पे बहुत लूटता है लोग। ये सब मेन्यू पटाया बैकपैकर्स, गुड फॉर सिंगल ट्रैवलर, सब यहाँ पे मिला जुला है, सही है, ओवरऑल अच्छा लगा मुझे। ये जो आप देख रहे हो इसी वाली टैक्सी से हम जाने वाले हैं बैंकॉक, 165 बात हमने दिया है। ये सेंट्रल के पास है, पटाया में सेंट्रल मॉल है, उसी के पास से ये मिलता है भाई टैक्सी। और यहाँ पे एक वैन भी मिलता है, पर वो 2-3 ही है, वो निकल गया अगर जो, तो अभी तो हम इस टैक्सी से जाने वाले हैं, और फिर जाके वहाँ बताते हैं कि क्या है कहाँ है। ये वहीं पहुँचाएगा जहाँ से बस निकली थी मोचित के लिए, वहीं पे ये भी पहुँचाएगा। तो बस से जा सकते थे लेकिन थक गए थे, धूप यहाँ बहुत होता है इसलिए बस से नहीं जा रहे हैं, और बस 3 घंटे लेती है, और हम लोग अभी 4-5 पैसेंजर हैं। ठीक है, फ्री है, आराम से जा सकते हैं। तो ये टैक्सी में लिया हूँ सेंट्रल से पटाया बीच के पास से, और यहाँ से थोड़ी दूर पे 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक बस स्टेशन था, बस चलती है और वो लेती है 130 बार, और ये मेरे होटल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, तो मैं यहाँ से ले लिया, ज्यादा चलना नहीं चाह रहा था। बीच में मैंने अपना जूता ही छोड़ दिया कोरल आइलैंड पे, दोबारा जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए 4,000 रुपये देना पड़ता है, तो मैं गया नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि कहीं भी जाओ तो अपने सामान का सुरक्षित रखो, लापरवाह ना बनो, घूमने का बहुत है। अगर आप बात करोगे फन का, बहुत ही अच्छा कंट्री है, आप किसी के साथ कहीं भी कुछ भी फन कर सकते हो, आपके पास गट्स होने से भी बात करनी, पर मुझे अच्छा लगा यहाँ। बैंक हो सकते हैं क्या है क्या नहीं, भाई साहब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं पटाया से बैंकॉक के लिए, इसी तरह की ट्रेन से जा रहा हूँ, कलर अलग है उसका कलर। ये जो आप देख रहे हो राइट और लेफ्ट, ये हमारे मॉल का दोनों तरफ का ये घूमने से बहुत एक्सपीरियंस होता है बाकी। आप जब अकेले घूमते हैं तो आपको किसी में कुछ अपेक्षा नहीं होती, किसी में कुछ आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता है। सामने पटाया, सामने जो आप देख रहे हो ये पटाया बीच है। मैं रात में तो यहाँ नहीं आया था, यहाँ पे सब कुछ रात में वॉकिंग स्ट्रीट में होता है, जो आप ना देख रहे हो वो यहाँ देख सकते हो। दिखावटी टाइप इंसान अगर आप हो गए कि बाहर से सीधा साधे अंदर से तो कुछ और, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है, यहाँ आइए, आपको कोई जज नहीं करेगा, आप जैसे हैं वैसे रहिए, मजे लेके निकलिए, तो आपका इमेज भी बच जाएगा आपका काम। तो यहीं से हम ये पकड़े हैं भाई टैक्सी, आप देख लो, इसी ने मेरे को टिकट काट के दी थी। और हाँ, यहाँ टिकट 20 नहीं है, एक फोटो क्लिक कर लिया उन्होंने कि इतने इतने 4-5 लोग हैं, पीछे हमारे कुछ हैं भाई लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो हाईवे पर आ गया, पटाया सिटी से बाहर निकल आया हूँ, अब ये हाईवे पकड़ लिया, ये हाईवे होता है बाइक 50 किलोमीटर बैंकॉक। चाहता तो आगे भी बैठ सकता था पर नहीं, बैठ अच्छा है, 12.5 घंटे की जर्नी में क्या क्या होता है। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर नजारा है सामने, आप देख रहे हो, ये भी आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े रोड यहाँ पे होते हैं। एक्चुअली पॉपुलेशन कम होने की वजह से इतने सारे रोड फ्री होते हैं, आप इसे इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपेयर करना बेवकूफी होगी क्योंकि हमारे इंडिया बहुत ही बड़े है, पर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो बहुत ही अच्छा शहर है पटाया। और बैंकॉक तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कैसा है, क्योंकि रोड से आपको समझ आ सकता है कि कितना अच्छा रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, थोड़ा ग्रीनरी टाइप है, तो एक तरह से देखिए तो वेल मेंटेन जिसे कहते हैं वो है। तो ये चीज हमारे इंडिया में लैगिंग है, इसका रीजन है पॉपुलेशन और बहुत बड़ा कंट्री है। तो ओवरऑल आप इस सफर का मजा लेते रहिए, मैं आपको वीडियो दिखाता चलता हूँ, पूरा वीडियो तो मैं इस पे नहीं डाल सक
डाला है, पर जो भी वीडियो डाला है आप ये देख लो कितने मतलब। और एक और चीज, यहाँ पे जो भी गाड़ी होते हैं वो बहुत ही स्पीड चलाते हैं, मतलब 100 किलोमीटर के प्लस ही चलाते हैं। ये एक टॉल टैक्स है, यहाँ से अभी हम लोगों ने गुजरा है, उन्होंने टॉल पे किया जो कि मैं इस पे ऐड नहीं कर पाया। तो आप देख रहे हो एक्चुअली इस रास्ते में हमें टोटल 4 टॉल टैक्स मिले थे, तो हमने सबका तो कैप्चर नहीं कर पाया था, पर जो भी किया था वो ठीक था। तो मतलब कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में 4 टॉल टैक्स थे जो कि पटाया से बैंकॉक के लिए था हाईवे। तो ये जो आप देख रहे हो मैं बहुत आराम से खा रहा हूँ, ये एक्चुअली ब्रेड है और कुलचे हैं। अगर अपने भारत की बात करूँ तो ब्रेड और कुलचे मैं ये खा रहा हूँ, और इसका कॉस्ट मैंने पे किया है 275। जहाँ मैं रह रहा था वहीं से मैं लिया था। और आप ये भी देख रहे हो कि मैं जो पानी पी रहा ये 350 ml और उसका कीमत जो था 10 बाट था। इस बोतल का प्राइस 26 रुपए है इंडियन रुपए 355 में। ओवरऑल रोड मॉल ऑफिस ये सब आप देख रहे हो कितना ही वेल डेकोरेट है। और ये मैं बैंकॉक में एंट्री कर चुका हूँ, और मैं बैंकॉक में मोचित पे अपना टैक्सी छोड़ा। और अब मैं बस में हूँ जैसा कि आप देख रहे हो, तो बस एज यूजुअल है, नॉर्मली है जैसे अपने यहाँ होता है, इस तरह का बस है। और रोड की बात करें तो रोड टू वे, पॉपुलेशन ज्यादा ना होने के कारण ट्रैफिक कम है, लेकिन बहुत टाइम लगा हमें 10 किलोमीटर के सफर में हमने डेढ़ घंटे का सफर किया बस, और हमने किराया जो पे किया था वो 10 बात में था। तो मतलब आप डबल समझ लो, लगभग 25 रुपीज इंडियन करेंसी में होता है। और बस का जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर यही बस है आप देख लो, और सेम चीज है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सब लगभग सेम ही है। अभी जो मैंने अपने हिस्ट्री के अगर देखा जाए कि हिसाब से कि मैं जो घूमा हूँ उस हिसाब से लगभग सब सेम ही शहर होते हैं, थोड़ा सा मेंटेलिटी अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, बट सब सेम। व्हाट द फक, रेन इज गोइंग ऑन। ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज एक्सपीरियंस। देख रहे हो बारिश होने लगा था जब मैं अपने पीजी की ओर जा रहा था। ओवरऑल मैं थोड़ा सा दौरा भी था, हॉस्टल और पहुंच गया था, और हॉस्टल का नाम था स्लीप विद मी। बताओ किसके बारे में सर? ना वी वांट टू, वो बोल रहे कि कितना कमाना है, मतलब मैं कितना चाहती हूँ। ऑल आर सेफ, ऑल आर सेफ। 100 समझ मारा तुमको कितना का हुआ? चलो नहीं बेटा हो गया। हेलो रिकॉर्ड, हाँ आई लाइक टू रिकॉर्ड। अरे यार हम तो मसाज कराए ही नहीं, यहाँ आए तो ऐसा करने को मन नहीं। चलो हम करा देंगे पार्लर में, यहाँ नहीं करा, चलो ना। सो वी आर राइट नाउ इन हाउसन रोड। कौन सा रोड? हाउसन रोड। फिर से बोलो। हाउसन रोड, हाउसन रोड। मैं थाई लोगों के जैसे बोल रही हूँ, सुना ही नहीं रह रहा है, मैं क्या करूँ? बोलो फिर से। हाउसन क्या, क्यों फेमस है ये? मतलब पार्टी हो गई। ब्रेड, ब्रेड नहीं, ब्रेड हिंदुस्तानी। व्हाट सो फॉर बोल रहा था इंग्लिश में, वो तो ट्राई कर रहा है। आई लव यू, आई लव यू मैन। बक्स क्या होता है? वो क्या, सौ रुपये वाला ये तो रखा तुमने,
तब रखा था तो हाँ This is for 100 baht, right? Okay. And this is squid. Squid. I am not going to eat this. You can eat. So, अभी मैं चाइनाटाउन पहुंच गया हूँ।